यहां पर स्थित सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला स्तरीय स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान करवाना चाहिए। हर एक बच्चे का पहले गाढ़े पीले दूध पर अधिकार है, क्योंकि ये रोग निरोधक गुणों से भरपूर होता है। बच्चे को 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराएं और पानी या घुट्टी आदि न दें। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ साथ ठोस आहार जरूर शुरू करें, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे के विकास के लिए स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार भी जरूरी है। इसके साथ ही कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। 1 तारीख से अगस्त 1 से लेकर 7 अगस्त तक हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। हमने आज सेलिब्रेट किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था, और यहाँ पे CMO सर और साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर वंदना वो हमारे साथ यहाँ पे उन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे साथ कनेक्ट कराया है। और इसमें मेनली हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, मदर को क्या बेनिफिट है, बच्चे को क्या बेनिफिट है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स और ये सब चीज़ें उनको बताई गई थी। इसमें मेन हमारा यही मकसद था कि बच्चा जो जब भी बच्चा पैदा होता है तो विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर अंदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवा देनी चाहिए। और कोई भी ऊपर से, जैसे ऊपर का दूध हो गया या ऊपर का कुछ भी घुट्टी हो गई, जन्म घुट्टी हो गई, कुछ शहद हो गया, ये चीज़ों को अवॉइड करना है। इन चीज़ों को बच्चे को नहीं देना चाहिए। पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पीरियड होता है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए, क्योंकि उससे ही बच्चे को इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। अगली खबर है ज्वाली से, जहां पर बढ़ती महंगाई व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में रोष प्रकट करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसके उपरांत SDM ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईडी का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईडी व CBI भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और कांग्रेस नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। चंद्र कुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीति के प्रतिशोध से प्रेरित होकर ईडी तलब कर रही है। केंद्र सरकार अपनी घटिया मानसिकता के चलते ईडी का दुरुपयोग कर रही है। मोदी सरकार ने जबरन ईडी के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कराया है। आज सारे हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने एक विरोध प्रकट किया है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि CBI है, ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह है, ये एजेंसी जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करती हैं और उसका जो काम ये होता है कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती हैं उनकी जो सारी छानबीन। लेकिन बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में राज किया है, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि इन एजेंसियों को इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अगली खबर है जालंधर से, जहां पर महानगर में लूट की वारदात एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। ताजा मामला यूको बैंक से लूटने का सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने हथियारों के बल पर यूको बैंक से 13 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने CCTV फुटेज खंगालने भी शुरू कर दिए हैं।